सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। खत पर वाक्य नुक्ते से इस खत पर उमूद खींचना, इसके तीसरे मरहले में हम ये देखेंगे कि प्रकार की मदद से किसी खत के ऊपर उमूद किस तरह खींचा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हमने एक खत खींचा, इस खत को हम ए बी नाम देंगे। ये हमारे पास हो गया खत ए बी। अब इस खत के ऊपर कहीं भी एक नुक्ता के लेते हैं। यहाँ पर हमने एक नुक्ता के लिया। अब नुक्ता के जो है ये खत पर वाक्य नुक्ता है। अब नुक्ता के से हमें इस खत ए बी पर उमूद खींचना है और इस्तेमाल करना है प्रकार का। तो प्रकार की मदद से हम इसको कैसे खींच सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले नुक्ता के पर प्रकार का आहनी सिरा रखते हैं और एक फासला लेकर यहाँ पर एक पॉज बनाते हैं। वही फासले को बरकरार रखते हुए इस जानिब भी हमें एक कॉस बनाना है। अब ये कॉस जहाँ पर खत को कटा कर रहा है वहां पर हम दो नुक्ते बनाकर इनको नाम देंगे। इसको नाम देंगे नुक्ता सी और इसको नाम देंगे नुक्ता डी। ये नुक्ता सी और नुक्ता डी के से मसावी फासले पर लिए गए नुकात है। अब फिर से हमें सी और डी का आधे से ज्यादा फासला लेना है। सी और डी का आधे से ज्यादा फासला लेकर हमें एक जगह पर कॉस लगाना है। वही फासला हमें बरकरार रखना है और उसे नुक्ता डी के ऊपर लगाकर वहां पर इस कॉस को कटा करता हुआ एक कॉस फिर से बनाना है। अब ये जो कॉस जहां एक दूसरे को कटा कर रहे हैं उसको हम ई नाम देते हैं और नुक्ता ई और नुक्ता के इसे गुनी की मदद से स्केल की मदद से हम मिला देंगे। तो यहाँ पर जो खत तैयार होगा ये खत ए बी के ऊपर उमूद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसकी पैमाइश नापेंगे तो यहाँ पर इसकी पैमाइश 90 दर्जे, इसकी भी 90 दर्जे, इसकी भी 90 दर्जे और इसकी भी 90 दर्जे। तो इस तरीके से प्रकार का इस्तेमाल करके हम किसी भी खत के ऊपर उमूद खींच सकते हैं।